दोस्तों आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे जो भी लाइव जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया है। और हमारा क्या चल रहा था, हम पढ़ रहे थे नगर पालिका, और नगर पालिका में मैंने काफी सारी बातें आपको बताई थी कि नगर पालिका का जो वर्णन किया गया है वो भाग कौन से में किया गया है, तो वो किया गया है भाग 9 क में इसका वर्णन किया गया है। साथ साथ में आपको कोई आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल का वर्णन इसमें किस में किया गया है, 243 पी से कितने तक किया गया है, 243 से कौन से तक, जेड जी तक इसका वर्णन किया गया है। यानी इसमें टोटल कितने आर्टिकल का वर्णन किया गया है, इसमें टोटल आर्टिकल कितने का वर्णन किया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, 18 आर्टिकल, वेरी गुड। टोटल आर्टिकल इसमें कितने का वर्णन किया गया, 18 में इसका वर्णन किया गया है, इस बात का आपको पता चला होगा। दूसरी बात करते हैं कि नगर पालिका है ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो इस बातों, छोटी छोटी जो बातें हैं ये मैंने आपको कल का जो वीडियो था हमारा उसमें आपको मैंने हर चीज आपको बताई है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। आज जो हम नई सीरीज से बात करते हैं, इनको आगे बढ़ा के बात करते हैं, तो सबसे पहले सभी दोस्त हैं इस वीडियो को जल्दी से क्या कर दो, लाइक ठोक दो भैया। सभी बच्चे क्या कर दो, लाइक ठोको इस वीडियो को। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करते हैं जो नगर पालिका है उसको कितने स्तरों में बात की है, त्रिस्तरीय समिति की बात की है जी। हाँ जी, किसकी बात की है, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय नगर पालिका, त्रिस्तरीय नगर पालिका की बात की थी। ठीक है जी, तो इसमें त्रिस्तरीय में कौन कौन से आते हैं वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कौन सा आता है, इसमें तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें नगर पंचायत, नगर पंचायत, दूसरा कौन सा था भैया फटाफट बताओ, नगर पालिका परिषद, परिषद, तीसरा क्या बताया था भैया फटाफट बताओ आप, तीसरा कौन सा पार्ट था त्रिस्तरीय में। हाँ वेरी गुड, नगर निगम, वेरी गुड, नगर निगम, नगर निगम। ठीक है जी, अब मैंने यहां से इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए वो भी आपको बताई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें कितने से, इसमें भैया है कितने, 10,000 से लेके कितनी तक जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए इसमें जनसंख्या है। और ये यहां से कितनी जनसंख्या होगी, हाँ जी वेरी गुड, नगर पालिका में कितनी जनसंख्या, 20,000 से 3,00,000 तक, कितनी से, 20,000 से कितनी जनसंख्या होनी चाहिए भैया, 3,00,000 इसमें क्या होती है, जनसंख्या होती है। अब बात करते हैं नगर निगम में कितनी जनसंख्या होती है, इसमें 3,00,000 से कितनी, 10,000 का सॉरी 10,00,000 का प्रावधान किया गया है। यानी 3,00,000 से 10,00,000 जो जनसंख्या होगी वहां पे क्या होगा, नगर निगम होगा। और यदि 10,00,000 से ऊपर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, महानगरीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बातें मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है जी, बताई थी या नहीं बताई थी। अब बात करेंगे हम पूरी डिटेल से, एक एक बात में लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मैं लेकर चलने वाला हूं नगर, कौन सा, नगर पंचायत। नगर पंचायत के बारे में हम एक छोटी छोटी डिटेल भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्या करो, फटाफट इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी, ले लिया होगा आपने। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में आगे। ठीक है जी, तो फटाफट जो बच्चे आप नोट्स बना रहे हो वो फटाफट क्या करो, नोट्स बनाते रहो अपने, जो भी है बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत है उसके बारे में बात करने वाले हैं, नगर पंचायत, जो नगर पंचायत है उसमें काफी सारी चीजें हैं वो मेरे को बतानी है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नगर पंचायत के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे योग्यताओं की, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले इनमें दो जो मैंने आपको काफी बार मैंने बताया है, ग्राम पंचायत में भी बताया था और मैं दोबारा यहां से बताऊंगा कि कम से कम इसमें कितनी उम्र होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरी शर्त होती है कि मतगणना में इनका नाम होना चाहिए, यानी मतगणना जो सूची होती है उसमें नाम होना चाहिए। तो हमारा जो प्रथम जो योग्यता है वो क्या होती है, हाँ जी वेरी गुड, 21 वर्ष की
आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष की क्या होनी चाहिए भैया, आयु होनी चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड हरीश, वेरी गुड विक्रम जी, गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और साथ साथ में होशियार सिंह ये भी बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है, साथ साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रहा है। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और साथ साथ में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, होना चाहिए। यानी ये दोनों जो शर्त होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, ये तो होनी ही होनी चाहिए। कौन कौन सी, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और साथ साथ में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, हाँ जी सदस्य बनने के लिए योग्य हो। किसमें, हाँ जी वेरी गुड, नगर पंचायत में, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बात करते हैं यहाँ से, हमारा देखते हैं यहाँ से, देखो आपको यही बताता हूँ कि ये हमारी क्या है जी, ये लो यहाँ से डिटेल से बात करने वाले हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई नगर पंचायत, नगर पंचायत, ये जो हमारी नगर पंचायत है, ठीक है जी, बात आपको समझ में आई। अब देखो जो नगर पंचायत है, इसमें देखो ये क्या होते हैं, हम बना देते हैं इसमें वार्ड, ये लो जी ये क्या बन गए, वार्ड हो गए हमारे, ठीक है जी। तो कितने भी वार्ड हो सकते हैं, जैसे एक नंबर वार्ड, पांच नंबर वार्ड, आठ नंबर, दस नंबर, पंद्रह नंबर, छब्बीस नंबर, सत्ताईस नंबर, पैंतीस नंबर, तो वार्ड कितने भी हो सकते हैं, बोलो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या है सब, ये वार्ड है भैया, ठीक है जी, वार्ड है। और वार्डों में क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ, वार्डों में क्या सुना जाता है, पार्षद होता है, क्या होता है जी, ये लो पार्षद, पार्षद होते हैं, क्या होते हैं, पार्षद होते हैं। अब जो, हाँ जी वेरी गुड, पंच जो नगर पंचायत है, इसमें जो अध्यक्ष, इसको जो मुख्य होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष या फिर चेयरमैन, अध्यक्ष या क्या बोलते हैं, बोलो बताओ फटाफट, हाँ जी चेयरमैन, इनको क्या बोला जाता है, अध्यक्ष या चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है जी, हाँ जी इनके मुखिया को क्या बोला जाता है, अध्यक्ष या चेयरमैन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को बताइएगा आप, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी, इसका निर्वाचन कैसे होता है, जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इनका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की, यानी ये निर्वाचन तो हो गया, अब इसको शपथ कौन दिलाता है, शपथ, ये लो जी शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है ये आपको पता होगा, तो शपथ दिलाता है, वेरी गुड हरीश, एसडीएम, कौन दिलाता है, एसडीएम, ये हमारे को क्या दिलाते हैं भैया, शपथ दिलाते हैं, तो इस बारे में आपको पता चला होगा। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, इनकी जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, तो कम से कम इनकी उम्र होनी चाहिए वो कितनी वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है जी योग्यताएं। दूसरी इसमें जो मोस्टली योग्यता है वो क्या है, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो ये दो क्या है, योग्यताएं तो होनी ही होनी चाहिए। बाद में बात करते हैं कि हमारी जो नगर पंचायत है वो किस टाइप की होती है, तो वो इस टाइप की होती है, इसमें क्या होते हैं, वार्ड होते हैं, और वार्ड में जो सदस्य होता है मुख्य, उसको क्या बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं, ये बात तो आपको पता चली होगी। और इनका जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है, या फिर उसको क्या कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है, ये बात बोलो आपको समझ में आई या नहीं आई। इसके साथ ही बात करते हैं कि इनका जो निर्वाचन है वो निर्वाचन कैसे होगा, तो निर्वाचन की बात करते हैं, तो इनका निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। और साथ साथ में बात करते हैं इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, वो दिलाता है हमारा एसडीएम, एसडीएम जानते हो ना, हाँ जी
या आरएएस अधिकारी होते हैं, एसडीएम। ठीक है जी, तो आपको आप ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे हमने बात की है कौन सी नगर पंचायत के बारे में, और नगर पंचायत के बारे में हमने डिटेल से बाद में बता रहा हूँ आपको कि इनकी जो योग्यताएं होती हैं उनमें मोस्टली दो होती हैं कि कम से कम उम्र तो कितनी होनी चाहिए, वो उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए, और साथ साथ में मतदाता सूची में भी उनका नाम होना चाहिए। और योग्यताएं होती हैं जो आपको पता है शैक्षिक योग्यता होती है और काफी है, वो नॉर्मल है, लेकिन ये दो बातें तो मोस्टली होती हैं। इनके बारे में बात में की थी, ये जो ग्राम पंचायत जो नगर पंचायत है उसमें वार्ड होते हैं, वार्ड में क्या होते हैं पार्षद होते हैं, और जो इनका अध्यक्ष इनको जो मुख्य होता है व्यक्ति उनको अध्यक्ष या चेयरमैन कहा जाता है। इनका जो चुनाव होता है, इनका जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। साथ साथ में बात करते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाता है एसडीएम। बोलो मेरे दोस्तों, बोलो सभी बताओ, मेरे ये बताओ कि बोलो समझ में आई ये बात, नहीं आई आपको? यदि समझ में आ रहा है ना तो थम का निशान करके मेरे को फटाफट भेजिए। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हरीश विक्रम बहुत ही बढ़िया। हाँ जी मधुसेनी बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से। होनशार सिंह, ये काफी बच्चे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, फटाफट आप क्या करो स्क्रीनशॉट लो ताकि आप आगे आपको बढ़ा पाऊं। बहुत ही बढ़िया, और सभी दोस्त यू ही बने रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, शेयर कर दे भैया सभी बच्चों। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, और साथ साथ में जो नए बच्चे आज इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे ले लिया क्या? हाँ जी बहुत ही बढ़िया, ले लिया होगा आपने, बहुत शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है जी, ओके जी, अब बात करते हैं आगे। तो योग्यताएं के बारे में आपको पता चला, क्या योग्यता होनी चाहिए, इनका निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है, हर बात के बारे में आपको डिटेल से बात का पता चला होगा। बहुत ही बढ़िया, अब आगे की बात करते हैं। तो इनका भैया कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे को बताइए कि इनका कार्यकाल क्या होता है नगर पालिका, ये जो नगर, हाँ जी वेरी गुड, नगर पंचायत का कार्यकाल क्या होता है। तो बात करते हैं इनके कार्यकाल की, कार्यकाल तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, फटाफट मेरे को बताइएगा आप। इनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बच्चे काफी बढ़िया आंसर दे रहे हैं। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से बता रहे हो जी। हाँ जी, तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। साथ साथ में बात करते हैं कि ये त्याग पत्र किसे देते हैं, त्याग पत्र के बारे में बात करते हैं। तो ये लोग क्या होता है त्याग पत्र, तो ये त्याग पत्र किसे देते हैं अपना, तो फटाफट मेरे को बताइएगा। हाँ जी त्याग पत्र किसे देते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी अधिशासी अधिकारी, वेरी गुड, अधिशासी अधिशासी अधिकारी को, अधिशासी अधिकारी को ये क्या देते हैं अपना, हाँ जी त्याग पत्र देते हैं। अब देखो बात करते हैं ये इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, तो पद से हटाने की बात करते हैं। तो दोस्तों कैसे हटाया जाएगा? हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो सदस्य 2/3 प्रस्ताव पारित करके, हाँ जी, तो पद से हटाना, पद से कैसे हटाया जाएगा, हाँ देखिएगा, तो सदस्य हैं 2/3, 2/3 प्रस्ताव पारित करके, जो सदस्य होते हैं वो कितने, 2/3 प्रस्ताव पारित करके इनको यहां यहां से हटा सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं जो नगर पंचायत है वो कितने विषयों के ऊपर कानून बना सकता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये कितने विषय पे कानून बनाता है? वेरी गुड, यह है 18 विषयों पर, विषयों पर कानून बनाता है। यानी ये इसे जो विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया है, जो कानून दिया गया है, वो कितने विषयों पे बनाने का दिया गया है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये इनको 18 विषय दिए गए हैं, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। और महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, फटाफट मेरे को आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ जी वेरी गुड,
महिलाओं को कितने प्रतिशत या फिर कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, कितना प्रतिशत दिया गया है। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आ रहे हैं बच्चों की। हाँ जी कितना प्रतिशत, बहुत ही बढ़िया, 33% महिलाओं को क्या दिया गया है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बहुत ही बढ़िया। और जो एससी एसटी होते हैं उनको भी इसमें क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। एससी एसटी को भी आरक्षण दिया गया है, एससी एसटी को भी इसमें क्या दिया गया है जी, आरक्षण की व्यवस्था की गई है जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो बोलो समझ में आई है बात नहीं आई, देखिएगा आप, हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत के बारे में, और नगर पंचायत के बारे में सबसे पहले यही बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है भाई, कितने वर्ष का होता है जी, 5 वर्ष का होता है। और ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देते हैं, अधिशासित अधिकारी को ये अपना क्या देते हैं जी, त्याग पत्र सौंपते हैं या देते हैं। अब इनको जो पद से कैसे हटाया जाएगा, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हो। सदस्य 2/3 प्रस्ताव के द्वारा क्या कर सकते हैं, इनको इनके पद से हटा सकते हैं। साथ साथ में आगे की बात करते हैं कि महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसमें, हाँ जी वेरी गुड, 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसमें, नगर पंचायत में। आगे बात करते हैं कि इसमें जो एससी एसटी है उनको भी किसकी व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से हमारा नगर पंचायत है वो कंप्लीट होता है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करेंगे हम नगर पालिका परिषद की, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप देख रहे हो। तो आप बात करने वाले हैं किसके बारे में, नगर पालिका परिषद के बारे में। दोस्तों एक बार इस वीडियो को सभी क्या कर दो, शेयर कर दो साथ में, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि आजकल आप क्या करने लग गए हैं, पढ़ाई करने लग गए हैं। और आपको पता है कि आपकी एग्जाम बहुत ही पास में आ गई है, तो काफी सारे बच्चे हैं, आप जोड़ो इनको, ज्यादा से ज्यादा संख्या बल बढ़ाओ। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को भी। हाँ जी बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ जी फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, फटाफट लो। अरे ले लिया क्या, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ले लिया होगा, बहुत ही बढ़िया। बस इस प्रकार से आप अपनी स्टडी को क्या करो, रेगुलर बनाए रखो भाई, रेगुलर बनाए रखो अपनी स्टडी को, मजा आ जाएगा हैं। अरे आ जाएगा ना मजा, हाँ जी वेरी गुड, मजा आना चाहिए। हाँ जी चलो अब बात करते हैं हम किसके बारे में, हमारा जो सेकेंड बात करते हैं हम किसके, नगर पालिका परिषद के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी वेरी गुड, नगर पालिका परिषद, ये जो नगर पालिका परिषद है इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये लो जी नगर पालिका परिषद। अब ये जो नगर पालिका परिषद है इसको किस प्रकार से करते हैं, बात करते हैं। देखो यहां से ये लो जी हमारी नगर पालिका परिषद, ठीक है जी। देखो एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं मैं आपको, ये हमारी क्या हो गई, नगर पालिका हो गई। अब यहां से इसमें भी क्या होते हैं भैया, वार्ड होते हैं या नहीं होते, पहले ये बता दो मेरे को। ये लो जी ये आप कोई भी वार्ड कर सकते हो, ठीक है ना, कितने भी वार्ड हो सकते हैं, ठीक है, हुए या नहीं हुए। ये लो हमारी ये क्या है जी, वार्ड है, जानते हो ना वार्ड। इसमें जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। ये बात तो आपको कॉमन पता है, ठीक है जी, इस बात का तो पता ही होगा आपको, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं जो नगर पालिका परिषद है इसमें जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, फटाफट बताओ मेरे को। हाँ जी बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, इसमें जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कहां से कहां, कब से कितनी होनी चाहिए। इसमें जो जनसंख्या होती है वो 20,000 से कितनी होती है, 3,00,000 होती है। क्या होती है, जनसंख्या। ये लो जी जनसंख्या,
बोलो बात आई क्या समझ में। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 20,000 से लेके 3,00,000 होती है वहां पे क्या होता है नगर पालिका होती है, ये बात आपको पता चली। और 10,000 से 20,000 जनसंख्या होती है वहां पे क्या होती है, हाँ जी वेरी गुड, नगर पंचायत। ठीक है जी, वेरी गुड। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी क्या हो गई, देखो यहां से देख बता देता हूं, ये टोटल हमारी क्या हो गई नगर पालिका, क्या हो गई नगर पालिका है जी, ये लो जी नगर पालिका। अब इनका जो मुख्य व्यक्ति होता है जो इसको क्या कहा जाएगा बताओ फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, जवाब आने लग गए, हाँ जी सभापति या नगर पालिका अध्यक्ष, वेरी गुड, सभापति या नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक है जी, बात समझ में आई। या तो इसे क्या कह सकते हैं नगर पालिका जो सभापति बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आप बता रहे हो। अब बात करते हैं इनकी, तो इनकी योग्यताओं के बारे में बात करते हैं, इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताओं के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये लो जी योग्यताएं, तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मोस्टली वही योग्यताएं होंगी इसमें। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, वेरी गुड, ये लो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष की क्या होनी चाहिए जी, आयु होनी चाहिए। साथ साथ में दूसरी बात आती है मतदाता, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो ये दो बातें तो हैं, ये तो हमेशा ही होनी होनी चाहिए, दोनों ही बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जी। तो सबसे पहले आज हमने बात की किसके बारे में, नगर पालिका परिषद के बारे में बात की। और इसमें जो जनसंख्या होती है वो टोटल कितनी होती है जी, इसमें जो जनसंख्या होती है वो 20,000 से लेके कितनी होती है 3,00,000 तक इसमें जो जनसंख्या होती है। अब यहाँ पे जो नगर पालिका है, ये लो जी ये नगर पालिका है, इस नगर पालिका में क्या होते हैं वार्ड होते हैं, और वार्ड में जो होते हैं मुख्य व्यक्ति उनको क्या कहा जाता है पार्षद कहा जाता है, और नगर पालिका में जो मुख्य व्यक्ति होता है उनको क्या कहा जाता है सभापति बोल सकते हो, या फिर नगर पालिका अध्यक्ष भी इनको आप कह सकते हो। ठीक है जी, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में करते हैं इनकी योग्यता, तो सबसे पहले योग्यता में आता है कि कम से कम इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और साथ साथ में इनका मतदाता में सूची में क्या होना चाहिए भाई, नाम होना चाहिए। तो बोलो समझ में आई ये बात, नहीं आई आपको, समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो तो मजा आ रहा होगा आपको, और इसी प्रकार से आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा, और साथ साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आपके क्या कर रहे, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, अरे लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो फटाफट आप क्या करो लाइक करो, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो, फटाफट ठोको, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, क्या करो फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे बढ़ पाए, बहुत ही बढ़िया। तो बोलो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा आपको, अरे आ रहा है ना, हाँ जी बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं, इनकी योग्यताओं के बारे में हमने बात की है, साथ साथ में इनको जो त्याग पत्र वगैरह है वो किसको देते हैं, और क्या शपथ कौन दिलाता है, हर एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा जी, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं जी आपके, बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं, अब बात करते हैं कि इनका जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है, दोनों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इनका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। अब बात करते हैं इनका जो कार्यकाल, वेरी गुड, कार्यकाल, कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, कितने वर्ष का होता है जी, 5 वर्ष का होता है, ये हरीश नंबर ले गया भाई, सबसे आगे पहुंच गया ये बच्चा। ठीक है जी, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, और आप भी अपने आप को कम नहीं समझो, सब जिन बच्चों को जिस्सा आता है ना, तो आप अपने आंसर दो फटाफट, सभी बच्चों को आंसर देना अनिवार्य है, चाहे वो गलत हो या सही हो, यदि गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने मैं खड़ा हूं, हर बातें आपको बताऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी, 5 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं शपथ, इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, हाँ जी ये लो जी शपथ,
तो शपथ कौन दिलाता है इनको? एसडीएम दिलाता है। कौन दिलाता है? एसडीएम ही इनको क्या दिलाता है जी? शपथ दिलाता है। बहुत ही बढ़िया जी। और इनको पद से कैसे हटाया जाएगा? पद से हटाना, यानी पद से कैसे हटाया जाएगा? 2/3 प्रस्ताव से, 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पास किया जाएगा उन्हीं के माध्यम से उनको क्या कहा जा, पद से हटा दिया जाएगा। और इसमें भी क्या कहा गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को इसमें कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? इसमें भी आज वेरी गुड, 33% आरक्षण दिया गया है। साथ साथ में आपको एक और बात बता देता हूं, SC ST है इनको भी क्या दिया गया है? इनको भी आरक्षण दिया गया है। और ये जो हमारी नगर पालिका परिषद है ये भी कितने विषयों पर कानून बना सकती है? यह भी 18 विषयों पर कानून बनाती है। कितने विषय दिए गए हैं इसको भी? 18 विषय कानून बनाने के लिए दिए गए हैं। तो देखिएगा, आप सभी बच्चे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का होता है। और शपथ इनको कौन दिलाता है? एसडीएम के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और इनको पद से कैसे हटाया जाता है? 2/3 प्रस्ताव के माध्यम से इनको क्या किया जाता है? इनके पद से हटा दिया जाता है। और इसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 33% आरक्षण दिया गया है। साथ साथ में SC ST को भी क्या दिया गया है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है जी। देखिएगा आप साथ साथ में। और इनको कितने विषय पर ये कानून बना सकते हैं? ये 18 विषयों पे क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं जी। तो बोलो मेरे लाडलो, बोलो आपको याद हुआ या नहीं हुआ? फटाफट मेरे को, मेरे दोस्तों फटाफट मेरे को बताइएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो शानदार तरीके से, दमदार तरीके से आपको याद हो रहा होगा। और दबा के शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो फटाफट आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे बढ़ पाए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ले लिया होगा आपने। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं किसकी? नगर निगम की। किसकी बात करेंगे? आप नगर निगम की बात करते हैं। ये लो जी, कर लेते हैं नगर निगम की बात। ठीक है जी, नगर निगम की बात करते हैं। तो नगर निगम में क्या होता है, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। ये लो नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम की पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि जो नगर निगम है उसमें जनसंख्या कितनी बताई गई है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बताओ बताओ फटाफट बताओ सभी बच्चे। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, इसमें बताई गई है 3 लाख से अधिक जनसंख्या, 3 लाख से अधिक जनसंख्या इसमें बताई गई है। किसमें बताई गई है? नगर निगम में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। जहां की जनसंख्या 3 लाख प्लस होती है वहां पे क्या होता है? नगर निगम की स्थापना की जाती है जी। सही है ना बात ये? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। शानदार तरीके से बात कर रहे हो आप। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, बात करते हैं आगे की। अब देखो इनकी योग्यताओं की बात करते हैं। इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यता, जो योग्यताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकी ये की बात होती है, जो सदस्य होते हैं इनके, तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? सदस्यों की आयु 21 वर्ष तथा, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, और यहाँ पे क्या बनता है? मेयर बनता है, ठीक है, या महापौर बनता है। तो यहाँ पे जो मेयर बनता है उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? मेयर, मेयर की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए,
कितने वर्ष होने चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ध्यान से देख लेना, जो सदस्य है उनकी आयु 21 वर्ष है और साथ में जो मेयर बनता है या महापौर बनता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए भैया? 30 वर्ष की होनी चाहिए। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ देखो जी, इसको भी उसी प्रकार से हम बात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा क्या हो गया? नगर निगम हो गया। अब यहां से बात करते हैं, ये लो जी पूरा इसको डिटेल से बताने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या हो गया जी? ये लो, बहुत ही बढ़िया बात है, ये हो गया हमारा नगर निगम। नगर निगम क्या है जी? ये नगर निगम है। अब नगर निगम में बात करते हैं, ये लो नगर निगम हो गया। ये हमारे क्या हो गए? वार्ड हो गए भैया। क्या हो गए? वार्ड हो गए। और ये वार्डों की बात करते हैं तो ये लो जी, ये कितने वार्ड हो गए? जो भी है कितने भी वार्ड हो सकते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? वार्ड कहेंगे, ठीक है जी। और जो इसमें वो क्या होते हैं? जो पार्षद होते हैं, सदस्य क्या होते हैं? इनका मुख्य सदस्य क्या होता है? पार्षद होता है। इस बात को आपको पता चला होगा। अब जो मुख्य व्यक्ति होता है इनको क्या कहते हैं? इनको मेयर, या फिर क्या बोल सकते हैं? महापौर। ये लो जी महापौर, ठीक है जी। तो बोलो ये समझ में आई क्या आपको बात है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि इनका जो निर्वाचन होता है वो किस टाइप से होता है, निर्वाचन की बात कर लेते हैं जी। हाँ जी बहुत ही बढ़िया। निर्वाचन, निर्वाचन ये क्या होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, जनता के द्वारा, ठीक है जी। प्रत्यक्ष किसके साथ? जनता के द्वारा क्या किया जाता है? इनका निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन कैसे होता है? जनता के द्वारा। तो देखिएगा आप, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि क्या कि जो नगर निगम है उनके लिए जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जहां की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होगी वहां पे क्या होगा? नगर निगम होगा। क्या होगा? नगर निगम होगा। अब बात करते हैं इनकी योग्यताओं की। तो योग्यता में बात करते हैं, जो सदस्य होते हैं उनकी आयु तो कितनी होनी चाहिए भैया? 21 वर्ष। लेकिन जो मेयर बनता है यहाँ का या महापौर बनता है उनकी आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? साथ साथ में बात करते हैं एक योग्यता है, एक और बता देता हूं वो योग्यता है। ये लो दूसरी योग्यता है, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, होना चाहिए। ये लो जी, मतदाता सूची में उनका नाम क्या होना चाहिए? मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं, ये जो नगर निगम है इसमें क्या होते हैं? वार्ड होते हैं। वार्ड में क्या होते हैं? पार्षद होते हैं। और इनका जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? या तो मेयर कहते हैं या फिर महापौर कहते हैं। बात करते हैं इनका जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? फटाफट यदि थंब का निशान करके मेरे को भेजो, फटाफट भेजो भाई, ताकि समझ में आए कि आपको समझ में आया, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, दबा के शेयर करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी बहुत ही बढ़िया। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, लो फटाफट लो। हाँ जी ले लिया होगा। अरे लिया या नहीं लिया? बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं इसमें, ठीक है ना? जो नोट डाउन कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, ताकि बहुत ही बढ़िया रहे, बार बार में आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना? और जो नए बच्चे आए हैं तो इन वीडियो को, पहले वाली वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आपको अपने क्या देख सकते हो? जो पहले के जितने भी वीडियो हैं वो आप ही देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल है। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं कि कार्यकाल, कार्यकाल तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का भाई? 5 वर्ष का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है जी। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं शपथ की। इनको जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो ये शपथ कौन दिलाता है जी? इनको डीएम दिलाता है। कौन दिलाता है? डीएम के द्वारा इनको क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं त्याग पत्र। हाँ जी
ये लो जी त्याग पत्र, इनको त्याग पत्र कौन दिला, ये जो त्याग पत्र है ये अपना किसको देते हैं ये देखिएगा। हाँ जी, जो सभा सदस्य होते हैं वो तो किसको देते हैं, मेयर को देते हैं, और जो मेयर होता है वो किसको देता है, नगर आयुक्त को देता है। हाँ जी समझना, सभा सदस्य मेयर को तथा मेयर नगर आयुक्त को, नगर आयुक्त को अपना त्याग पत्र देते हैं। पुलिस बात आई क्या समझ में आपको कि त्याग पत्र ये किसको देते हैं, जो सभा सदस्य होते हैं वो तो किसको देते हैं, मेयर को देते हैं या महापौर को देते हैं, और मेयर या महापौर किसको देते हैं, नगर आयुक्त को, ये क्या देते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बात कर रहे हो। अब बात करते हैं कि इनको इनके पद से कैसे हटाया जाएगा, तो वो हटाया जाएगा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। हाँ जी, पद से हटाना, इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। कितना प्रस्ताव से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनको उनके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसमें भी बात करते हैं आगे की, तो इसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ साथ में बात करते हैं जो SC ST के हैं, जो भी लोग, उनको भी किसकी व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। और ये भी कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं, यह भी 18 विषयों पर कानून या विधि का निर्माण कर सकते हैं, विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट एक बार क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लोगे। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी देखो, अब बात करते हैं, हमने बात की नगर निगम की। नगर निगम में हमने सबसे पहले बात की कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है जी वो होता है 5 वर्ष का। इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है, DM दिलाता है, ठीक है ना, जिला अधिकारी DM दिलाता है। साथ में बात करते हैं त्याग पत्र, जो इनके सभा सदस्य होते हैं वो तो किसको देते हैं, मेयर को देते हैं, लेकिन मेयर होता है वो किसको देता है, नगर आयुक्त को अपना क्या देता है जी, त्याग पत्र सौंपता है। अगली बात करते हैं कि इनको पद से किससे हटाया जाएगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको क्या किया जा सकता है, इनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है जी। बात करते हैं कि जो नगर निगम है इसमें भी महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, इसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तथा SC ST के जो लोग हैं उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ साथ में बात करते हैं जो नगर निगम है वह भी कितने विषयों पे कानून बना सकता है या विधि का निर्माण कर सकता है, तो वह भी 18 विषयों पे क्या बना सकता है जी, कानून बना सकता है जी। बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब दे रहे हो भैया, सभी बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया, पढ़ाई करने लग गए हैं ना, ठीक है, बहुत ही जल्दी सक्सेस होने वाले हो आप सब लोग, बहुत ही बढ़िया। तो बोलो समझ में आई ये बात नहीं आई, फटाफट थम का निशान करके मेरे को भेजो। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, शानदार था, शानदार दमदार तरीके से कर रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया। तो बात करते हैं आज हमारी यही नगर पालिका की, जो नगर पालिका है ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। कल से हमारा कोई नया वीडियो आएगा, तो आप सब बच्चे क्या करें, इनको वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में डिटेल से बात की है आपसे, और बाद में किया है नगर पालिका से। इन दोनों चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल 0% आपकी संभावना है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका बन जाए। तो बड़ी
बढ़िया तरीके से आप लगे रहो, बढ़िया दमदार तरीके से आप पढ़ते रहो, और इसी के साथ साथ आप क्या करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, अपने स्टेटस उस पर भी डालते रहो, साथ साथ में बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको क्या करते रहो, लाइक ठोकते रहो। और जो नए बच्चे आए हैं इस चैनल पे, वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।